ये जी हम सबाइल के एरिया में हैं और आज हम निकल रहे हैं बाकू की मेन अट्रैक्शंस को देखने के लिए, जिसमें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इचैरी शहर और कैस्पियन सी का किनारा। साहिल बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ पे एक क्रूड ऑयल की एक शिप है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी। मैं काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो कैप्चर कर चुका हूँ और अब विद इन बाकू जो कुछ जगहें मेरी रह गई हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये स्कूटीज खड़ी हुई हैं, इसका अपना ऐप है, मुदस्सिर भाई बता रहे हैं। हाँ मुदस्सिर भाई बताएं, ये बारकोड है ना, हाँ इनका अपना ऐप है, हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वो कैमरे से इसको स्कैन करना पड़ेगा। सही है, देखें ये इसके बारकोड है, जब स्कैन पड़े जब आप जिसे आप स्कैन करेंगे तो ये ओपन होता है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक घंटा पाँच मनात का बस एक घंटा पाँच मनात का। लेकिन ये इसमें इतनी होती है बैटरी की, एक घंटा चल जाए। हाँ हाँ होते हैं ना, तो एक घंटे में तो आप पूरा शहर घूम लोगे इसमें। हाँ ले इस्तेमाल करें तुम, हमारे पास भी ऐप नहीं है ना भाई। हम ये सोच रहे हैं, हम इस स्कूटी पे बैठे हैं लेकिन ऐप नहीं है अभी हमारे पास, तो कल ट्राई करते हैं इसको डाउनलोड करते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र हो जाएगा। हाँ। स्कूटी इसके ऊपर जो है ना, इसको यूँ लगा के जी हम आपको पूरा शहर दिखाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। भाई ये एक होटल है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यार, तो खुला हुआ है मुदस्सिर भाई। कौन सा? ये होटल खुला हुआ है, लोग अंदर से निकल रहे बाहर में खल में। तो ये अभी हम जो है वो समंदर की तरफ जा रहे हैं। भाई ये चेक करें हम कहाँ पहुँचे हैं, ये देखिए ये सी, कैस्पियन सी के किनारे हम बिल्कुल पहुँच गए। ये अभी हम आगे आपको लेके चल रहे हैं और सबाइल के एरिया में, ये कैस्पियन सी का थोड़ा सा एक साहिल लगता है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। इसको मुदस्सिर भाई सबाइल का एरिया बोलेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, ये सबाइल है। और इस साहिल को कुछ स्पेसिफिक नाम है इसका? नहीं बस सबाइल। अच्छा ये सामने जो है एक शिप खड़ा हुआ है, इस शिप के अंदर जो है होटल बना हुआ है एक, और देखते हैं अगर एसएस मिला अंदर जाने का तो अंदर भी लेके चलते हैं। ये काफ़ी बड़ा सा एक पार्क है और ये आपके साइड पे जो है ये देखें आप, तो ये जो है वो कैस्पियन सी का किनारा लगता है। जी हम कैस्पियन सी के साथ, ये इसमें होटल है मुदस्सिर भाई? हाँ जी हाँ, इसमें होटल है एक, तो मुदस्सिर भाई ने बताया एक होटल है। चलें जी चलते हैं, मुदस्सिर भाई कह रहे हैं अंदर से। मुदस्सिर भाई ले पोर्ट्रेट ले ले, चेक करें ये शिप है और इसके अंदर होटल है एक, और सोरा खानी इसका नाम है इस शिप का। कैस्पियन सी में ये शिप खड़ा हुआ है। तो फाइनली आज जो है वो हम कैस्पियन सी के किनारे पे खड़े हुए हैं और हमारे साथ एक है शिप, सोरा खानी इसका नाम है, और अंदर एक होटल भी बना हुआ है, और अभी ट्राई करते हैं अगर अंदर लेके जा सके आपको तो अंदर भी लेके जाते हैं, और इंशाल्लाह आज हम पूरा बाकू उसकी मेन अट्रैक्शंस जो है लिखा हुआ है क्रूड ऑयल कार्गो लाइन। क्रूड ऑयल का ये कार्गो जो है जहाज़ है, और ये देखिए स्टार्ट करें,
अभी हम जिस टाइम पे पहुँचे हैं यहाँ पे, इनके बकौल के अभी जो है वो इसका जो स्लॉट है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है, अभी बंद पड़ा हुआ है ये, तो वरना इंशाल्लाह आपको अंदर से ही हम दिखाते। तो अभी चलते हैं हम बाकू आई की तरफ चलते हैं और इचहरी शहर में मैदान टावर है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे, और इसी तरीके से हम आपको बर्निंग माउंटेन जो 1000 साल से आग जल रही है वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबी हो गई तो मैं बर्निंग माउंटेन वाली वीडियो नेक्स्ट में बना दूंगा, सही है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कितना कंसाइज और शॉर्ट कर सकते हैं अपने इस ट्रिप को हम। और ये अब हम इचहरी शहर जा रहे हैं। हमने आपको जो है ये दिखा दिया कैस्पियन सी के साथ का जो साहिल था, अब हम इचहरी शहर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये आगे बस टर्मिनल है उसकी तरफ हम लोग, देखिए हम बस टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। ये हम बस टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर आफरीदी भाई। मैंने ऐसे ही कैमरे घुमाए जैसे ये घुमाते हैं सही है जी। और हम बस टर्मिनल पे मौजूद हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। मुदस्सिर भाई कौन सी बस? जो भी आ जाए सर, एक चालीस सौ सब जल्दी निकल जाए, 6, 5, 88, 125। हाँ हाँ भाई, ये हम जो है वो पहुंच चुके हैं इचहरी शहर, और इचहरी शहर में हम जा रहे हैं मैदान टावर है जी। मुदस्सिर भाई मैदान टावर जा रहे हैं, मैदान टावर जा रहे हैं हम आपको अपने मैदान टावर दिखाते हैं। ये मैंने पढ़ा ही है मुदस्सिर भाई, ये 1200 ईस्वी का, ये बहुत पुराना कोई टावर है 1200 ईस्वी का, ये इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। जो बादशाह था वो हम निज़ामी वाली साइड पे आ चुके हैं, और निज़ामी के साथ ही ये चहरी शहर और ये मैदान टावर जो है वो बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं अभी जी। आप चेक करें, ये वो मैदान टावर का ओल्ड जो एरिया है वो शुरू हो गया है, और ये 1200 ईस्वी की वो फसील और वो एरिया पूरा आपके सामने है, और इसकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में हिस्ट्री बताता हूँ, ऊपर जाके आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये एक्चुअल में ये जो मैदान टावर है ये कब बना था और किसने बनाया था। ये जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है और ये मैदान टावर आपके सामने है, उसकी फसीलें और किला, और ये जो है शेरवान शाह ने बनाया था 1200 ईस्वी के अंदर। ओके जस्ट दिस यस यू कैन स्टार्ट टेल फर्स्ट द टूर प्राइस इंक्लूडिंग ट्रांसफर फ्रॉम होटल एंड हाउ मच प्राइस एवरीथिंग इंक्लूडिंग 110 मनात फॉर वन पर्सन 110 मनात या 110 मनात वन डे टूर 110 मनात एवरीथिंग इंक्लूडिंग वन डे टूर स्टार्टेड 8:39 AM एंड फिनिश एट 9 PM वन डे 12 आवर्स मॉर्निंग कॉल नाइट कमिंग इनसाइड बाकू इनसाइड बाकू आल्सो वी हैव नाइट बाकू टूर एंड दिस वन रेगुलर सांता क्रूज आपके सामने है, और ये हम मैदान टावर में मौजूद हैं। मैदान टावर है कहाँ? मैदान टावर कहाँ है? दिख ही नहीं रहा वो आगे। ये ओल्ड इचहरी शहर है, ये इचहरी शहर चल रहा है भाई, मैदान टावर अभी नहीं आया है। मैदान टावर आपको लेके चलते हैं अभी हम, ये सारा इचहरी शहर है। क्या बता रहे हैं मुदस्सिर भाई, बताइए कौन क्या है? बागीचा सा है सेट से। अच्छा अच्छा, ये भाई ये बादशाह का महल टाइप का है, और ये इनका बागीचा था, सही है, ये बागीचा था, और ये पूरा निज़ामी के साथ ये पूरा इचहरी शहर ओल्ड शहर बना हुआ है। ये यहाँ पे आप बिल्डिंग्स चेक कर सकते हैं, सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, और आगे चलते हैं। हाँ ये गेट है बागीचे का, ये जी बागीचे का गेट है, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है कुछ सारी, और ये बागीचे का गेट आपके सामने है, देखें आपके सामने रोड, ये उसी ज़माने का 1200 ईस्वी का उसी ज़माने का रोड, उसी ज़माने की ये गलियाँ, हाँ अज़रबैजान की, ये सब आपके सामने है। ये सामने आपके है मैदान टावर। चेक करें उस जमाने की कोई, ये हाल में गधा गाड़ी टाइप की कोई, कोई घोड़ा गाड़ी टाइप की कोई पुराने जमाने का सामान पड़ा है। अंदर नहीं आ सकते मेरे ख्याल में, ATM है, हाँ कालीन पड़ा हुआ है। और ये जो है आप चेक करें, आई थिंक ये कब्रें हैं भाई, ये कब्रें हैं, ये अरबी और फारसी के कुछ वर्ड दिख रहे हैं हमें,
इन पे ये कपड़े टाइप की लग रही हैं। ये चेक करें जी, मैदान टावर आपके सामने, ये मेन बाकू सिटी में चेरी शहर के अंदर बना हुआ है और ये चेरी शहर बिल्कुल निज़ामी स्ट्रीट के साथ मिला हुआ है, तो ये भी एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वगैरह खंडरात वगैरह जो है वो ये देखें आप, चेक करें जी, यहाँ अंदर आए हुए ये जी देखें हम अंदर आ गए। अंदर जो है वो मैदान टावर के अंदर ये कि ओल्ड सा हाउस बना हुआ है, मैदान टावर उस साइड पे। हाँ, ये ओल्ड हाउस कुछ बना हुआ है, ओल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर, ये आप देखें काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ये इन्होंने एंटीक सामान की एक शॉप टाइप की बनाई हुई है, ये देखें एंटीक सामान की शॉप समथिंग है। दिस इज मैदान टावर, और ये तो अंदर भी जा रहे हैं यार लोग, चलें क्या? ये मैदान टावर आ गया है भाई, 12th ईस्वी का ये मैदान टावर, 12th सेंचुरी का मैदान टावर आपके सामने है मेन बाकू सिटी के अंदर। मुदस्सिर भाई भी अंदर जा रहे हैं और हम भी अंदर जा रहे हैं मैदान टावर के, देखते हैं, लेट्स सी। ओहो हो, देखते हैं ना भाई, टिकट लेने के लिए आए हैं, ये टिकट काउंटर बना हुआ है और ये मैदान टावर है। उन्होंने हमें वापसी भेज दिया कि भाई टिकट लेकर आओ, तो देखते हैं भाई। इन्होंने बताया कि टिकट जो है वो 15 मनात का है, तो 15 मनात का टिकट था। यहाँ तो लोग चिपक जाते हैं, जान नहीं छोड़ेंगे। ये जी आपके सामने है मैदान टावर, और मैदान टावर पे हम पहुँच चुके हैं, मेन निज़ामी के ऊपर मैदान टावर बना हुआ है। ये ओल्ड इचैरी शहर की फसीलें हैं और उसके अंदर जाके ये मैदान टावर बना हुआ है। मुदस्सिर भाई, इसकी हिस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत पता है आपको, मैदान टावर की हिस्ट्री? आप माशाल्लाह इतने टाइम से यहाँ पे हैं, हिस्ट्री एक मिनट बताऊँगा फिर वीडियो जाएगी। और मैं आप रोड्स चेक करें, उसी टाइम के लग रहे हैं ये रोड्स, और यह आ गया मैदान टावर आपके सामने। 12th ईस्वी का ये टावर है, 12th सेंचुरी का ये टावर है, मेन बाकू सिटी में निज़ामी स्ट्रीट के साथ। ये देखिए चाय की पुराने ज़माने की जो केतलियाँ टाइप की हैं वो रखी हुई हैं, मिस्त्रियाँ रखी हुई हैं, और ये पूरा हिस्टोरिकल इन्होंने एक प्लेस टाइप का बनाया हुआ है चेरी शहर में, मैदान टावर। ये इमाम बर्ग है, ये पूरा ओल्ड सिटी, मैदान टावर और चेरी शहर का हमने आपको पूरा साइट सीन, साइट विजिट कराया। हाउस चेक करें, ये एक काफ़ी पुराना कोई घर दिखाया मैं, और आपके सामने है। और जी हम आगे चल रहे हैं, जा रहे हैं चेरी शहर। ये भी कोई एंटीक शॉप है, देखो भाई उस ज़माने के दिए और चिराग वगैरह, और ये उस ज़माने की लोहे की ग्रिल्स वगैरह, ये देखें, ये आपके सामने है चेरी शहर।
रोड्स चेक करें, इसका बिल्ड चेक करें। 12th सेंचुरी का ये इचैरी शहर काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। हम काफ़ी देर से जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखें, ये चेक करें, वॉल्स चेक करें। तो इचैरी शहर और ये इसकी फसीलें हैं सारी। ये बाहर निकलने का सेकंड गेट है, हम इस गेट से जो है वो इंटर हो रहे हैं। तो ये हम यहाँ से बाहर निकल गए मैदान टावर से। इसकी फसीलें यार बड़ी प्यारी हैं यार, फसीलें चेक करें जी। फसील बोलते हैं कि जब किले पे कोई हमला होता था ना, तो यहाँ पे तीरंदाज खड़े हो जाते होंगे, समझ रहे हैं? जैसे उसमें उस्मान वगैरह सीरीज़ में आपने देखा होगा। तो भाइयों ये देखें, इस तरह से ये फसीलें होती थी। यहाँ पे तीरंदाज अपनी सपोर्ट में अपने आप को डिफेंस करते हुए छुप जाते थे, और यहाँ से जो है वो तीरों की बारिश होती थी अगेंस्ट जो हमला करने आता था। ओह, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मज़ीद और यहाँ की बाकू की जो अट्रैक्शंस हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड।